राजधानी रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत कांग्रेस नेता के बलरामपुर दौरे को लेकर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है। अपने बयान में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है, खाली बैठे हैं, घूमते रहें। इसके आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने 5 साल के कार्यकाल को याद कर ले, अब तक प्रदेश में जितनी घटनाएं हुई हैं उसमें कांग्रेस के लोग ही पाए गए हैं। कांग्रेसी आज बौखलाए हुए हैं और वह बौखलाकर छत्तीसगढ़ को अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अभी तक की जितनी घटनाएं आपने देखी हैं उन घटनाओं में कांग्रेस के लोग शामिल पाए गए हैं और उससे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, जो कभी जिसने सोचा नहीं था कि 5 साल में ही उनको जनता विदा कर देगी, घरों में बैठा देगी, अब वो उससे बौखलाए हुए हैं और बौखलाकर छत्तीसगढ़ को अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना में भी उनकी साजिश हो सकती है, उनके लोग शामिल? अब ये तो पुलिस जांच करेगी और जांच करने के बाद में बात सामने आएगी तो उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। ऐसा है, वो जो कहेंगे वो सरकार करे जरूरी नहीं है और सरकार को जो उचित लगेगा वो सरकार निर्णय लेगी, परंतु